साधारणतः आजिकल अधिकांश लोकंर हार्ट आटाक हो केवल वयस्क लोक नुहति युवपीढ़ी मध्य शिकार होती तेरे हार्ट आटाक काहीक हो यार प्रमुख कारण कौन आसतु नजर पक हृत्पिंडर काम होता है शरीर में रक्त संचालन ठीक भाव यहाद्वारा शरीर को ठीक भाव ऑक्सीजन मिलता है जदि हृत्पिंड तार काम ठीक भाव न करे तबे रक्त संचालन अभाव हार्ट आटाक भली संभावना देखा जाए जहाँफल व्यक्ति जीवन चली जाए जनाशुना कमेडियान राजू श्रीवास्तव को हृदघात हो गत बुधवार जिम्रे वर्कआउट कला बेले राजू हृदघात शिकार होते तुरंत दिल्लीर एम्स हस्पिटाल को निया परे तांकर एंजियोग्राफी करा जाइछि एबे से वेंटिलेटर रे अछति राजू को हृदघात खबर पाइबा मात्र के तांको फैन को मनरे निराश खेल जाइछि फैन तांकर शीघ्र आरोग्य कामना करछन्ति मिलिथिबा सूचना अनुसार वेंटिलेटर रे राजू को अवस्था गुरुतर रहिछि एबे एही बड़ प्रश्न मन को आसुछि पूरा फिट थिबा टेलीविजन स्टार राजू को हठात हृदघात केमिति आसिला जिम रे ट्रेडमिल रे दौड़ुवा बेले राजू को हठात छाती रे जंत्रणा अनुभूत होइतिला जंत्रणा एते मात्रा रे हला जे से तले पड़ी जाइतिले परे तांकू हॉस्पिटल ले भर्ती करा जाइछि एते फिट थाई कि भी राजू को हृदघात हेबा साधारण रे चिंता बढ़ाई दैछि केवल राजू नहंती स्टार मानक क्षेत्र रे अनेक समय रे एभली घटना देखिबा को मिलिछि गत वर्ष बिग बॉस विजेता सिद्धार्थ शुक्ला मध्य जिम रे व्यायाम करुवा बेले प्राण हर से कन्नड सुपरस्टार पुनीत राजकुमार कर मध्य व्यायाम करुवा बेले हृदघात मृत्यु होता तेणु जो मैंने जिम को जाने चिंता करने दरकार जे से फिट रही जिम ना ओजन कमेबा ना बॉडी बनवाप करोना पर आक्रांत हो लोकों हार्ट आटाक आशंका आहरी बढ़ जा तेणु प्रशिक्षण जिम ट्रेनर पाखे प्रशिक्षण नेबा उचित एथिसह खाद्य उपरे मध्य ध्यान देबा अति आवश्यक अत्यधिक जिम करिबा द्वारा हुएत हार्ट आटाक होइथे एहार प्रमुख कारण हेउछि अधिक बॉडी बनेबा पई नेउथिबा सप्लीमेंट अधिक स्टेरॉइड नेबा फळरे एहा एक कारण होइ पारे बोली अनेक डाक्टर मध्य मत दैछन्ति एसबु प्रति युव समाज ध्यान जेबा सह कोनोसी भी एक्सरसाइज न पचारी बा निज बॉडी को अधिक मात्रा रे प्रेशर दे न करबा को कह जाय छी एक्चुअली एबे समस्त माइंड रे गोटे जिनिष अछि जे हम केते जल्दी फिगर बनेबा जल्दी बॉडी बनेबा तो सेमाने से प्रोसेस टा को फॉलो करना जे सब जिनिष शॉर्ट टाइम रे हुए नी तो हमको तापई डिसिप्लिन दरकार डेडिकेशन दरकार रेगुलर आपणकर कोन टाइमिंग थाए आपण गोटे एक्सरसाइज केबे भी 3-4 घंटा केबे करि परिबेन जोटे कि आजकल समस्ते 3-4 घंटा वर्कआउट करछन आपण बॉडी सेटा रेजिस्ट करे नी आमे ताकु एक्स्ट्रा पुश करू तो बॉडी को 1 आवर आपण वर्कआउट करेबे ताही तो बॉडी बेसी जते स्ट्रेस रे जीव बॉडी बॉडी सेते डाउन हबो एनर्जी डाउन हबो तो आमे बॉडी सेटा को सर्वाइव करि परिबोनी ताकु आमे जते एक्स्ट्रा पेन दबा बॉडी जेमति केबे अधिका वर्कआउट करले कार्डियो आपणकर कार्डियो मीन्स कोन आपणकर हार्ट आउ लंग्स ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजन सप्लाई बेटर हुए तो आपको आम कौन भावु आम जिते एक्सट्रा कार्डियो करवा आम हार्ट भी सेटा सर्वाइव करवा दरकार तो प्रोब्लेम कौन होमें बॉडी को रेस्ट दौने बॉडी को जिते स्ट्रेस स्ट्रेस वर्किंग स्ट्रेस वर्कआउट स्ट्रेस तो ये बॉडी स्ट्रेस आसला पर कौन हो हार्ट आटाक हो ब्लड क्लट कर बहुत प्रोब्लेम हो देखु सब स्पोर्ट्स अलग अलग टाइप मेडिसिन थाए सप्लीमेंट मेडिसिन कहुए सप्लीमेंट कहुए तो बॉडी को सीटा दरकार सप्लीमेंट जमीक प्रोटीन दरकार फिश ऑयल दरकार आमर कैल्शियम दरकार विटामिन D3 दरकार एगुटा बॉडी को दरकार निहाती तो आमको बॉडी से गुड़ा डिमांड करे किंतु आमे कौन करूँ से सब जिन आजिकल टाइम जो खाइबा आम खाऊ तादूर आमको से मिलूनी तो कौन होता एक्सट्रा आड करूँ आम खाइबार आउ आप जो कथा कहले मेडिसिन खाई बॉडी बनवा सेमती से भूल जिनस जो मर फिल्ड जो मैंने प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर तीन से जिन दरकार किंतु गोटे जनरल लाइफ स्टाइल जो मैंने चाहूँ निज फिटनेस लेवल मेन्टेन करने को अफिस् जाऊँ जिम आस तांको पई से सब जिनस दरकार नहीं जनरल फिजिक को मेंटेन करिया पई वर्कआउट करंतु
ଡାଏଟ୍ରେ ରୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରୋଟିନ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଖାଆନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହିଁ ଏତିକି ଦରକାର। ଏବେ ଯଦି ଦେଖାଯାଉଛି କଳାକାରମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ବିଭିନ୍ନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କଳାକାରମାନେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କଲାବେଳେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତାହାର ରିଜନ୍ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛୁ ସେଇଟା ସେ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। କେବେ ବି ଗୋଟେ ହିରୋ କୌଣସି 3 ମନ୍ଥସ୍ରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ କରେନି, ଆଗରୁ ସିଏ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ବଡି ସେଇଟାକୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁଥାଏ। ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତା'ର ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ 3 ମନ୍ଥସ୍ରେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ କୌଣସି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ 3 ମନ୍ଥସ୍ରେ ବଡି ହେଇଯାଉଛି, ସେ କିଛି ନା କିଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେଉଛୁ, ତ ଆମେ ତାକୁ ଉପରୁ ଉପରୁ ଦେଖୁଛୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଉଛି, ସେ ଆଗରୁ ସେ ଜିନିଷରେ ଆଡ଼କ୍ଟ ଥାଏ, ମାନେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା, ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ନେବା, ତ ସେ ଜିନିଷ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଟ୍ରେନର ତାଙ୍କ ପଛରେ ଥାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ପର୍ସନାଲ୍ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ କଲେ ଏଇ ଜିନିଷ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖୁଛୁ 3 ମନ୍ଥରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍, ଆମେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ବଞ୍ଚିବା, ତ ତାଙ୍କ ପରିକା ସେମିତି ହେଇପାରିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା ଆଜିକାଲି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ଲୋକମାନଙ୍କର ଖାଇବା ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ଲୋକମାନଙ୍କର ଶୋଇବା ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବିଲକୁଲ ଓଲଟା। ଲୋକ ରାତିରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ନା, ୟା ଉପରେ ବଡି ଉପରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ପଡ଼େ, ତ ଆମେ ସେଇଟା ଜାଣିପାରୁନୁ। ତ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଡି କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ କରେ, ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇବା, ଟାଇମ୍ରେ ଶୋଇବା, ବଡିକୁ ଯେତେ କମ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେବା, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ 1 ଆୱାର୍ ଏନଫ୍, ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ 2 ଆୱାର୍ 3 ଆୱାର୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା। ବଡି 1 ଆୱାର୍ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ସେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା, 1 ଆୱାର୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ତାପରେ ଆପଣ ଦିନସାରାର ଖାଇବା ଠିକ୍ ରଖିବେ, ବଡିକୁ ରେଷ୍ଟ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଲକୋହଲ, ସ୍ମୋକିଂ, ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ଏ ଜିନିଷ ଯେତେ ଆଭଏଡ଼୍ ରହିବେ, ଆଉ ଯେତେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଘର ଖାଇବା ଖାଇବେ, ପ୍ରୋଟିନ୍, ବଡିକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ନିଡ଼ କରେ, ବଡିକୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଦେବେ, ଯେତେ ଆଲକୋହଲ, ସ୍ମୋକିଂ ଏସବୁ ଜିନିଷରୁ ଆଭଏଡ଼୍ କରିବେ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଲଙ୍ଗସ୍ ଉପରେ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଏ, ଆଉ ହାର୍ଟ ଉପରେ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଏ। ତ ଆମେମାନେ ଉପରୁ ଦେଖୁ, ଭିତରୁ କ'ଣ ବଡି ଫଙ୍କସନ୍ କରୁଛି ସେଇଟା ଆମକୁ ଜଣାନଥାଏ। ତ ଆପଣ ଯେମିତି ଖାଇବା ବଡିକୁ ଦେବେ, ବଡି ସେମିତି ଜିନିଷ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବ। ଭଲ ଖାଇବା ଖାଇବେ, ବଡି ଭଲ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବ, ଖରାପ ଖାଇବା ପାଇବେ, ବଡି ତାର ଓଲଟା ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଋଷିକେଶଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱପ୍ରକାଶ ଓ ରଶ୍ମିତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର ଷ୍ଟୁଡିଓ।